सो हाय गाइस एंड वेलकम टू ट्रांजिट टेक। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, गूगल डेवलपर्स की तरफ से आने वाला बहुत ही फेमस एआर ऐप, मतलब ऑगमेंटेड रियलिटी से रिलेटेड एक जो एप्लीकेशन है, जस्ट ए लाइन। ये एप्लीकेशन बहुत सारे डिवाइसेस पर वर्क नहीं करता था, क्योंकि इसे चलाने के लिए आपके फोन में गूगल प्ले सर्विसेस फॉर एआर, ये जो प्ले सर्विस है, इसका लेटेस्ट वर्जन चाहिए होता है आपके फोन में। तो ये सर्विस बहुत सारे फोन में वर्क नहीं करता था, ये सिर्फ और सिर्फ कुछ चुनिंदा फ्लैगशिप फोन में और उसके साथ ही एंड्रॉइड 1 या फिर स्टॉक एंड्रॉइड वाले फोन जैसे कि मी 3 इन सब में हुआ करता था। पर अगर आप Xiaomi का Redmi Note 8 Pro यूज करते हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है, तो ये अभी इसमें हुआ कर रहा है। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी कुछ दिन पहले ये नोटिस किया था कि ये जो Redmi Note 8 Pro है, इसमें Google Play Services for AR डाउनलोड और इंस्टॉल किया जा सकता है प्ले स्टोर से। तो ये फीचर इसमें Android 10 के बाद आया है या फिर और कोई अपडेट के साथ, ये तो मैं कन्फर्मली नहीं कह सकता, पर अभी वर्क कर रहा है। और इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप कैसे इस फीचर को एनेबल या फिर यूज कर सकते हैं अपने फोन में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे Redmi Note 8 Pro में ये जो एप्लीकेशन है जस्ट ए लाइन, ये बहुत बढ़िया तरीके से या फिर प्रॉपरली वर्क कर रहा है। पर इसमें जो रिकॉर्डिंग वाला फीचर है, ये कभी कभी नहीं चलता है इसमें, बट बाकी सारे फीचर्स बखूबी काम करते हैं इसमें, जैसे कि ब्रश साइज चेंज करना या फिर डिलीट करना या फिर मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करके, मतलब पार्टनर डिवाइस बना के वर्क करने में ये एप्लीकेशन क्रैश या फिर फोर स्टॉप नहीं होता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर गूगल प्ले सर्विसेस फॉर AR ये जो एप्लीकेशन है, तो उसे डाउनलोड करने के बाद आपको जस्ट ए लाइन प्ले स्टोर पे सर्च करना है और आपको जो एप्लीकेशन मिल जाएगी इसे इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन करके कैमरा लोकेशन का परमिशन इसे दे देना है और ये प्रॉपरली वर्क करेगा। पर अभी मैं आपको इसका जो मल्टीप्लेयर वाला फीचर है कि दोनों डिवाइसेस में आसपास दो यूजर्स AR में ड्रॉइंग कर सकते हैं और एक दूसरे का जो ड्रॉ किया हुआ सेफ है वो AR में ही दिख जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे पास लेफ्ट में Note 8 Pro और राइट में Mi 3 है, तो अभी ये दोनों पेयर हो चुके हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं एक डिवाइस में जो भी ड्रॉ कर रहा हूँ वो दूसरे में बखूबी दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप इसमें जो भी ड्रॉ करेंगे वो 3D स्पेस में ऑगमेंटेड रियलिटी के साथ ड्रॉ हो जाएगा और वो बहुत प्रॉपरली वर्क करने वाला है। आप इसे यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट के चारों ओर ड्रॉ कर सकते हैं या फिर इसे यूज करके अपने फ्रेंड्स के साथ आप टिक टॉक टॉय भी प्ले कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसे यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं।